दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये है Realme 11 Pro Plus 5G स्मार्टफोन। चाहे आपने Realme 11 Pro लिया हो या फिर ये फ़ोन लिया हो, आप दुखी होंगे। बार बार ऐप्स के नोटिफिकेशन आते हैं, ऐप्स के रिकमेंडेशन आते हैं, एड्स आते हैं, इनको बंद कैसे करें, तो चलिए अब आपको बताता हूँ। जब आप इस फ़ोन को सेटअप करोगे तो कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऊपर वालों को ऑन कर लेना है और नीचे वालों को डिसेबल कर देना है। अब इसको हम स्किप कर देते हैं। सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डाटा, इसको बंद कर देना है। एक्सेप्ट। अब इन ऑप्शंस में से आपने ऑटो अपडेट ओवरनाइट को आप ऑन छोड़ सकते हो। ग्लांस फॉर रियलमी बंद कर लेना, ये कुछ काम का नहीं है। यहाँ पर टर्न ऑफ करना है इसको, इसको भी आपने लेटर करना है, बंद कर देना है। ग्लोबल सर्च को भी आपने यहाँ पर टर्न ऑफ करना है। अब आपने यहाँ पर जाना है, जो बार बार कीवर्ड ओपन हो रहा है तो इससे भी आप दुखी होंगे, तो आपने यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है। ऐप ड्रॉअर सेटिंग, इसको आपने बंद कर देना है। सो ऐप सजेशंस को बंद करना है। डिस्प्ले कीबोर्ड व्हेन एंटरिंग ऐप ड्रॉअर, इसको भी आपने बंद कर देना है। और अब आप देखिए कुछ भी नहीं है, आपका कीबोर्ड बंद हो चुका है। अब आपने सेटिंग में जाना है और एडिशनल सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ये देखिए गेट रिकमेंडेशंस, इसको आपने यहाँ से बंद कर देना है। अब आपने यहाँ पर जाना है, ऐप्स के ऊपर क्लिक करना है, ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है, तो 3 डॉट्स बने हुए इसके ऊपर क्लिक करना है, और शो सिस्टम पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्लांस को सबसे पहले आपने सर्च करना है, ग्लांस फॉर रियलमी। ये देखिए पहले इसकी जो ये है क्लियर डाटा, इसको कर लेना है। इसके बाद आपने इसको डिसेबल कर देना है। सिक्योरिटी एनालिसिस को आपने सर्च करना है, और स्टोरेज सेटिंग, क्लियर कैचे, क्लियर डाटा और डिसेबल। ऐप हब ये रहा, इसके साथ भी आपने सेम यही करना है। ये देखिए डिसेबल। अब आपने क्या करना है, जितने भी ब्लॉटवेयर्स हैं जैसे कि लिंक्डइन है, अगर आप यूज़ नहीं करते हो तो इनको अनइंस्टॉल कर लीजिए। रियलमी स्टोर के ऊपर आपने क्लिक करना है तो अनइंस्टॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, तो इसके लिए आपने ऐप इन्फो में जाना है, अनइंस्टॉल, रियलमी लिंक ऐप अनइंस्टॉल, ये अनइंस्टॉल नहीं होता है। चाहे इसको यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, तो इसका भी आपने ये देखिए ऐसे करना है। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि टाइम बच सके, वीडियो छोटी बन सके। इस तरह की आपने सारी ऐप्स को अनइंस्टॉल कर लेना है। अब आपने ऐप मार्केट पर क्लिक करना है, जनरल पर क्लिक करना है, इस आइकन पर क्लिक करना है, और ये जितने इंस्टॉल पैकेज ये सारी चीज़ों को बंद कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर जाना है, ये देखिए फोर स्टॉप इसको कर देना है। फोर्ट फ्री गेम्स पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, डाटा इसका उड़ा देना है और डिसेबल इसको कर देना है। ऐसे ही आपने ऐप मार्केट के साथ करना है। ये देखिए मोस्टली आपकी जो फालतू की ऐप्स हैं वो क्लीन हो चुकी हैं। ऐप मार्केट को इस फ़ोन से परमानेंटली रिमूव करने के लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, तो लैपटॉप सबके पास होता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको ईजी सा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपने प्राइवेसी में जाना है, इधर प्राइवेसी पर क्लिक करना है, हाइड ऐप्स पर क्लिक करना है, और ये देखिए यहाँ से आपने इसको ऑन कर देना है। अब ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और जो भी आप ऐप्स को यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। अगर आप कमेंट करते हो कि लैपटॉप वाला तरीका बता दो, हमें तो परमानेंट ही रिमूव करना है इसको, तो मैं आपको लैपटॉप वाला तरीका भी एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये सिंपल सा तरीका है। अब आपके फ़ोन पर कोई भी ऐड वगैरह नहीं आएंगी, ऐप्स की रिकमेंडेशन नहीं आएंगे, फालतू की ऐप्स जिनको आप यूज़ भी नहीं करते थे तो वो अब सारी बंद हो चुकी हैं। अब आपने सेटिंग पर क्लिक करना है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पर आपने क्लिक करना है। जो भी आप ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद करना चाहते हो, जैसे कि ऐप मार्केट है, गेम सेंटर है, फ्लिपकार्ट है, मतलब जो भी आप बंद करना चाहते हो कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी वीडियो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना।